फिल्म एक अनोखा कन्यादान, हमेशा हम देखते हैं कि बाप बेटी का कन्यादान करता है, तो इस फिल्म में हम लोग कुछ ऐसा कन्यादान करें जो एकदम अनोखा है ना। और ये स्टोरी हम अभी रिवील नहीं करना चाहेंगे इसलिए बिकॉज अभी बस दिवाली के आसपास को शूट करने जा रहे हैं। और हमारी ये एक्ट्रेस है रेशमा बारी, जो इस फिल्म में बेहतरीन रोल प्ले कर रही हैं और पहले भी मेरे से काम कर चुके हैं, देवी एक मार राजस्थानी फिल्म में एज ए लीड, और अभी इस फिल्म में भी इनको एक बहुत बड़ा मौका दिया हम लोगों ने प्रूव करने का। और अनोखा कन्यादान एक ड्रामेटिक सब्जेक्ट है, सेंसेशनल सब्जेक्ट है, जो आज तक किसने देखा नहीं हुआ। ये एक फिल्म आने के बाद एक लेडीज़ के लिए एक जीने की राह बताई, और हमारे कई सारे कलाकार हैं जो अफजल गौरी साहब हैं जिन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, जो उस फिल्म को लीड कर रहे हैं, और उन्होंने विश्वास करके मेरे साथ ये फिल्म के साथ में करने का प्लान किया, हमें एक साथ में जोड़ा हुआ है। और बहुत ही मुश्किल से मतलब उन्होंने जैसे स्टोरी सुनी तो बहुत सारे खुश हो गए वो, यू नो, और उन्होंने बोला कि ठीक है हम ये मुहूर्त के लिए प्लान करते हैं, और तुरंत वो हम उन्होंने ये प्लान किया है मुहूर्त का बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट, बिकॉज सब्जेक्ट एक राजस्थान, एक राजस्थान में एक नई सोच, एक नया रास्ता ये फिल्म दिखाएगी, यही अनोखा कन्यादान, इसलिए इसका नाम रखा है एक अनोखा कन्यादान। तो लोकेशन भी राजस्थान की, राजस्थान लग रहा है। हाँ जी, राजस्थान की फिल्म है, राजस्थान का लोकेशन है, और राजस्थान में मैंने कई सारी फिल्में की है जिसके दौरान मुझे ऐसे लगा कि वहाँ पर फिल्मों में अभी वो सब नहीं होता है जो हमें करना चाहिए, नयापन, यू नो। तो मैंने इसके पहले राजा राजस्थानी एक बनाई है, देवी एक माँ बनाई है, अभी तीसरी मेरी फिल्म है अनोखा कन्यादान, इसके बाद लगातार मैं लाइन से फिल्में कर रहा हूँ राजस्थान में। सोचा है कि साल में कम से कम 4 फिल्में हम करेंगे राजस्थान, क्योंकि राजस्थान को एक नया लुक देना है, राजस्थान के लिए कुछ नया सोच लेके हम आए हैं। और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जैसे मराठी है, हिंदी है, जो आज चल रही है यहाँ पर, राजस्थानी नहीं चल रही है बिकॉज ऑफ द पर्सन। क्या कारण आपके राजस्थान चल नहीं रही है? सर, आपने राजस्थानी रीजनल आपने क्यों चुना पिक्चर? लोग इसको मतलब बहुत कम राजस्थानी या रीजनल फिल्म बहुत कम बोले, लेकिन आपने एक डिसीजन लिया रीजनल फिल्म बनाने के लिए। एक्चुअली मैं राजस्थानी फिल्मों से कब जुड़ा, बिकॉज मैं कोरियोग्राफर रहा हूँ, और राजस्थानी फिल्म से मेरी मुलाकात हुई एक फिल्म के दौरान जब मैं शूटिंग कर रहा था, तो मैंने देखा कि मैंने राजस्थान में लगातार 7-8 ईयर्स अवार्ड जीते, लेकिन जब देखा मैंने कि मेरी मुझे ही खाली अवार्ड मिल रहे पूरे फिल्म को लेकर और किसी को नहीं मिल रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक राजस्थानी अच्छी फिल्म डायरेक्ट की जाए, यू नो, इसलिए फिर मैंने सोचा कि एक राजस्थानी फिल्म डायरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने सेंसेशनल सब्जेक्ट्स को चुना, जैसे देवी एक माँ एक सेंसेशनल फिल्म है, राजा राजस्थानी अगेन एक सेंसेशनल फिल्म है, अनोखा एक कन्यादान अगेन एक सेंसेशनल फिल्म है, यू नो, तो वहाँ की महिलाएं आज भी फिल्में देखना चाहती हैं, बट अच्छी स्टोरी अच्छी मेकिंग आएगी तो लोग ज़रूर फिल्म देखेंगे, और हमारी यही कोशिश है कि हम महिलाओं को और वहाँ के लोगों को थिएटर तक लाएं, यू नो, हमारी फिल्म के जरिए, और एक नयापन फिल्मों को दें, दैट्स द रीज़न वी आर मेकिंग, इसलिए हम लोग राजस्थानी फिल्में कर रहे हैं। कितने सॉन्ग है फिल्म में? 6 गाने हैं टोटल, उसमें रोमांटिक है गाने जिसमें रोमांटिक गाने हैं 2, एक गज़ल है जो पहली बार राजस्थानी फिल्म में आएगी, राजस्थानी गज़ल एक आएगी, और उसके अलावा एक आइटम नंबर है, और रोमांटिक गाने हैं जैसे फिल्म में बनते हैं, एक राजस्थानी फ्लोक डाला हुआ है, राजस्थान के टच को लेके ही ये फिल्म है एक्चुअली। ये हम दिवाली के बाद प्लान। मैं निकी सर के साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ, और दिस इज़ माय सेकंड मूवी, मैं इनके साथ सेकंड मूवी करने जा रही हूँ, और सर बहुत अच्छे हैं बेसिकली, और इन्होंने ही मुझे पहला ब्रेक दिया है, तो आई वुड लव टू वर्क विथ हिम। और जैसे कि राजस्थान, आई एम ओन, मतलब मैं खुद एक राजस्थानी हूँ, सो मैं चाहती हूँ कि राजस्थान आगे बढ़े, सो वी आर गोइंग टू डू समथिंग गुड एंड न्यू। और ये सस्पेंस है तो मैं ओपन अप तो नहीं होने देने वाली हूँ कि ये क्या होने वाला है आगे, बट इट इज़ अमेजिंग फिल्म। करेक्टर के बारे में बात करेंगे, किस तरह करेक्टर है आपका, कन्यादान, अनोखा कन्यादान बताएंगे? मोस्टली भी ऐसा लग रहा है कि वेल, ये जो कैरेक्टर है वो बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है, इसे मैं रिवील नहीं करना चाहती हूँ अभी भी, बिकॉज सर ने मुझे मना कर रखा है इसके लिए, पर दिस इज़ अ गुड कैरेक्टर फॉर वुमेन। अगर कोई भी एक औरत देखेगी इस मूवी को तो वो श्योरली बहुत खुश होगी, क्योंकि ये कंसेप्ट ही ऐसा है। ये जो फिल्म है इसका नाम है एक अनोखा कन्यादान। तो जब इतना अच्छा टाइटल है, टाइटल भी एक अनोखा ही है, तो म्यूज़िक भी हमने अनोखा ही किया है इसका। हाँ बिल्कुल, तो क्या है कि इसमें आज जो गाना रिकॉर्ड हो रहा है बहुत बेहतरीन गाना है, थोड़ा सा 2 लाइन सुनाऊँ क्या?
मारो हिवड़ो करे रे पुकार, हे मारो हिवड़ो करे रे पुकार, मारो हिवड़ो, हिवड़ो मतलब दिल जी, मारो हिवड़ो करे रे पुकार, थारे हिवड़े से मन ने लगा ले रे, मारो हिवड़ो करे रे पुकार। ये बहुत अच्छा है। श्रुति जी जो इस गाने को गा रही हैं, एक मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड मैं सरगम हूँ और ख़ास तौर से हमेशा निकी बत्रा जी के साथ जुड़ी रहती हूँ, तो इनके जब भी कोई अच्छे नए प्रोडक्शंस लॉन्च होते हैं, मुहूर्त होता है, तो वो मुझे बहुत ख़ास तौर पे दिल से बुलाते हैं, भले मैं उस फिल्म में हूँ या नहीं हूँ, मगर हाँ मैं इस फिल्म में हूँ जिसका नाम है अनोखा कन्यादान, जिसके प्रोड्यूसर हैं अफजल जी और डायरेक्टर हैं निकी बत्रा जी। तो ये फिल्म जब सबसे पहले मैं जब मैंने कहानी सुनी है, इट्स अमेजिंग, क्योंकि जो औरत के प्रति इज्जत और जो बच्चों के अंदर अपने माँ के लिए क्या फीलिंग्स होती है कि हम सेटल हो जाएंगे तो हमारी माँ का क्या, तो ये जो लाइन है इस स्टोरी का वो बहुत बेहतरीन लाइन है, जिसकी वजह से ये फिल्म बहुत अनोखी बनेगी। अनोखी बोलते हैं ना, कन्यादान भी है और अनोखी फिल्म भी बनने वाली है, तो मेरी और मेरे सारे बोलते ना सारे गुड विशेस इस पिक्चर के लिए है, और मैं बहुत दुआ करती हूँ कि निकी जी की ये फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट हो, और मैं इस फिल्म में एक गेस्ट अपेयरेंस आइटम नंबर भी कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी फैमिली की पिक्चर है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद देम अगेन वंस अगेन। और इस पिक्चर के इस तमाम एक्टर्स के लिए, म्यूजिशियन मिस्टर गनी जी के लिए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए, सबके लिए मेरे दिल से बहुत बहुत दुआएं हैं कि ये पिक्चर बहुत अमेजिंग बने। जिस तरह से उस पिक्चर में दम है, उसी तरह से इस फिल्म में दम हो और इसकी कलेक्शन भी दमदार हो, क्योंकि 2020 की जो मार है उसको वो कट डाउन कर दे, है ना, जैसे लॉकडाउन में हम थे, तो ये जो मंदी आई है इस मंदी को काट कर ये उभर की पिक्चर आए, ये मेरी दिल से दुआएं। सो वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो अनोखी कन्यादान के लिए, दिल से थैंक यू। सबसे पहले आप सबको दशहरी की हार्दिक बधाइयाँ, और अनोखा कन्यादान बहुत प्यारी मूवी है, इसकी शूट हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, और निक्की बत्रा जी एक्चुअली हमारे बहुत पुराने फ्रेंड भी हैं, और लाइक हमने बहुत साथ में काम भी किया है पहले, बट सबसे बड़ा कैरेक्टर है इस मूवी के अंदर जो मुझे मिलने वाला है, बट ये थोड़ा सा सरप्राइज टाइप का है, तो मुझे अलाउ नहीं है रिवील करने के लिए, सो सॉरी आई कांट रिवील इट, पर बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है इस मूवी के अंदर, सो आप जब मूवी देखेंगे आपको पता पड़ेगा। सेकंड फिल्म है निक्की सर के साथ, एंड आई एम प्लेइंग वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टर इन फिल्म, एंड इट्स लाइक अ रिवॉल्यूशन इन राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री। एक अनोखा कन्यादान, पहले भी एक फिल्म बनी थी बट ये थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है, और इट्स बेस्ड ऑन वीमन एम्पावर एंड दिस थिंग्स। मैं निक्की सर, जिनके साथ मैंने एक ऑलरेडी मूवी की हुई है, और बहुत ही अच्छी कहानी है पहली बात तो, उसकी वजह से बहुत अच्छी मूवी बनने वाली है, और जैसे निक्की सर काम करते हैं, मैंने एक साथ इनके साथ एक मूवी की हुई है, और बहुत ही अमेजिंग अपने एक्टर्स के साथ, और जैसा भी सेट पे और जैसा माहौल बना के रखते हुए हैं, तो वैसे भी जितनी भी इनकी मूवीज़ बनी हैं मैंने खुद देखी हुई है कुछ, तो बहुत ही अच्छी बनाई है, और ये भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। तो ऑल द बेस्ट सर को, ऑल द बेस्ट सबको, पूरी टीम को, हैप्पी दशहरा। आज दशहरा है और आज फिर एक सच्चाई की जीत हुई है, और इसके लिए सबको बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। और अभी हम कन्यादान, जो एक अनोखा कन्यादान मूवी है, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं निकी जी को थैंक्स बोलूँगी कि उन्होंने मुझे इस फिल्म में चांस दिया। रियली इट्स वेरी नाइस मूवी, और स्पेशली लेडीज़ लोग इसको देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत कुछ सहन करना पड़ता है लेडीज़ को अपनी लाइफ में। और जो अच्छे लोग हैं, यानी मेरा मतलब है कि जो जेंट्स लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट हार्टेड है, वो भी आज बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, तो ये मूवी इस तरीके की बनी है कि उनको बहुत कंफर्ट मिलेगा और एक नई सोच मिलेगी और बहुत अच्छा लगेगा। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर। सबसे पहले सभी को पुनः नारियल प्रतिमा के साथ दो शब्द कहे थे, नौमी दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मूवी के लिए। बाकी सब कलाकारों ने जैसे कहा वैसे मैं भी ये कहूँगा, एक हक होता है
एक आज्ञा होती है कि किसी भी मूवी की कहानी के लिए हम कुछ कह नहीं सकते। तीन चार बातें मुख्य है, जैसे हमारे गणी भाई ने कहा, राज कपूर साहब हो, चल गुराज हो। आज कन्यादान का मुहूर्त हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर मैं आई हूँ। निकी बत्रा को मैं काफ़ी पहले से जानती हूँ, उनके साथ में बहुत सारी फिल्में मैंने की है। वो कोरियोग्राफर हुआ करते थे, लेकिन मैं हमेशा उनसे कहती थी कि आप फिल्म को डायरेक्ट करिए। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि निकी बत्रा इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म में मैं भी काम कर रही हूँ, ऐसा मुझे लगता है, निकी से पूछना पड़ेगा। और कन्यादान एकदम सुपरहिट फिल्म हो, नाम से तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में फिल्म में वो सारी चीज़ें होंगी जो आज के ज़माने में ज़रूरत है। और आज का ज़माना जो चाहता है कि हम महिलाओं की इज्जत करें, महिलाओं को सम्मान दें, और ये फिल्म वही सब कुछ के साथ। गणेश आचार्य जी के साथ इन्होंने बहुत सारे शोज भी किए, म्यूजिक वीडियो भी किए हैं, फिल्में भी की हैं। और यहाँ पर रेशमा जी हमारे साथ में, ये जो आप फोटो देख रहे हैं एकदम मैच्योर लग रही है फोटो हीरोइन की, मगर यहाँ देखिए हीरोइन इतनी बच्ची सी है, बिल्कुल छोटी सी प्यारी सी, तो इनका ऐसा छोटी सी प्यारी सी वाला ही फोटो लगाइएगा, क्योंकि बहुत मैच्योर लग रही है। तो ये हीरोइन है फिल्म की, इनका कन्यादान है। मेरी मदर आशा जी, जिन्होंने पहले भी बाइट दिया, वो इसमें किनकी मदर कर रही है, हीरो की हीरोइन की? अब वो डिसाइड होगा, किसने की? हीरोइन की दादी। हीरोइन के, अरे भगवान, दादी बना दिया मेरी माँ को। अच्छा ठीक है, आपकी दादी का रोल कर रही है मेरी मदर, ठीक है ना? हाँ। तो और मैं आकाश, मैं बचपन से काम कर रहा हूँ, 3 साल की उम्र से स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ एज अ कॉम्पेयर मिमिक एंड सिंगर, और 7 साल की उम्र से के विश्वनाथ जी की फिल्म सूर संगम, जयप्रदा के बेटे का रोल, उसके बाद में बहुत सारे, सुभाष गई की परदेश, महिमा का भाई, हसरते बॉबी अरोड़ा क्योंकि सासबी की होती, उसका दोस्त दीपक, रिसेंटली एक दूजे के वास्ते माता जगरता सिंगर बबलू, बहुत सारे मैंने किए हैं एज एन एक्टर। और ये बहुत खूबसूरत सी फिल्म है, निक्की जी बहुत टैलेंटेड कोरियोग्राफर भी रहे हैं, तो आपका भी चांस है कल को आप भी डायरेक्टर बन सकते हो। तो ये कोरियोग्राफर निक्की साथ उनके शरण में रहे जा रहे, क्या क्या बात है, क्या बात है। तो कोरियोग्राफर निक्की जी भी रहे, बहुत कमाल के कोरियोग्राफर है, और बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। और इतनी खूबसूरत सी फिल्म, एक और कन्यादान टाइटल भी इतना प्यारा है, राजस्थान की खूबसूरत लोकेशंस होगी, इतने खूबसूरत खूबसूरत वहाँ पर चेहरे होंगे, और जब बाकी सारी खूबसूरती आप देख रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ पर आप पोस्टर्स में देख रहे हैं, तो ये बहुत सुंदर फिल्म बनेगी, बहुत अच्छे एक सब्जेक्ट के साथ में, कन्यादान को लेकर के ये फिल्म बनेगी, जो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा ये फिल्म करेगी। और मुझे अब तक पता नहीं है कि मैं इस फिल्म में हूँ या नहीं, तो आप लोग अगर दुआ करेंगे, और आप लोग सारे लोग, आप लोग अगर पीछे पड़ेंगे हमारे डायरेक्टर, थैंक यू थैंक यू। अच्छा बच्चे आशीर्वाद दे रही है, तो डायरेक्टर अगर हो सकता है शायद मैं भी इस फिल्म में रहूँ, तो आप सभी का धन्यवाद, और इन सबको आप लोग देखिए फिल्म में, फिल्म को देखिए और फिल्म को सुपर सक्सेस बनाइए। अब मैं आगे ओवर टू बोथ दी ग्लैमरस गर्ल्स, अब आप आगे आप बात कीजिए, थैंक यू। नथिंग, आई वी ऑल जस्ट वॉन्ट योर ब्लेसिंग, एंड हम चाहते हैं कि आप हमारी इस मूवी को बहुत सारा प्यार दें, ताकि हम और आगे इस चीज़ को निकाल सकें। एक्चुअली हम राजस्थान को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, राजस्थान इंडस्ट्री अब तक आगे आई नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो बहुत आगे जाए, बिकॉज आई एम माई सेल्फ राजस्थानी और मराठी भी हूँ, तो मुझे मैं चाहती हूँ कि मराठी और राजस्थानी एक पिकअप पकड़ लें इस चीज़। इवन आई एम ऑल्सो गुजराती राजस्थानी, सो इवन आई लव राजस्थान, इज जस्ट ब्यूटीफुल। हाँ, और अब तक सब इंडस्ट्री आ चुकी है, बट राजस्थान नहीं आई है, इसलिए मुझे थोड़ा सा बहुत फ्लैट फील हो रहा है। लेट्स होप ये वाले प्रोजेक्ट के बाद हम पक्का, आई थिंक अवार्ड विनिंग मूवी है, और हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा।